हेलो बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है सर्कल और ये एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 12 है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू ए सर्कम। डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, जिसके अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर हम ओ मान, जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये इस ट्रायंगल्स का एक साइड है बी सी जो 8 सेंटीमीटर्स और 6 सेंटीमीटर्स डिवाइड 6 सेंटीमीटर्स में डिवाइड है। तो ये मेरा क्वेश्चंस में ही मतलब फिगर में दिया 8 सेंटीमीटर्स और ये दिया है मेरा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए सी और ए बी का क्या लेंथ होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले पहले हम इसको देखिए, इसको हम ज्वाइन करते हैं ओ सी, फिर इसके बाद ज्वाइन करते हैं ओ बी, फिर इसके बाद हम ज्वाइन करते हैं ओ ए। ठीक है, ओ ए, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे हम इसको ई बोल ये करते हैं और ए सी पे एक ई का ये करते हैं लाइन डालते हैं, तो उसको हम एफ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा देखिए ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्शंस किया। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ज्वाइन ओ बी कॉमा ओ सी कॉमा ओ ए कॉमा ओ ई एंड ओ एफ। ये क्या कंस्ट्रक्शन में मैं हमने ये ज्वाइन किया। तो अब हमको बोल रहा है कि इसका हमको लेंथ निकालना है। क्या इस ट्रायंगल का एक साइड्स का लेंथ दिया है तो अदर टू साइड्स का हमको लेंथ निकालना है, दैट इज ए सी और ए बी का। अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर्स है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। यस या नो, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा मेरा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों, देखिए क्यों होगा, क्योंकि क्या है क्योंकि क्या है कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड इज इक्वल टू इज आर इक्वल। तो मान लीजिए ये आपको एक्स मानते हैं तो ये ई को कितना होगा, ये भी एक्स होगा। क्यों, तो हम लिख सकते हैं ए एफ इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं। और रीजन भाई क्या है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सॉरी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर व्हाट इक्वल। यस या नो, ये हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं। इसी तरह ए एफ इक्वल टू ए, तो हमको क्या होगा, ए एफ ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू कितना हो गया मेरा, एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारे अब क्या करना है, ना अब क्या करना है हमको करना कि अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ए बी सी फुल का लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रैंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रैंगल और एरिया ऑफ दिस ट्रैंगल। ये तीनों ट्रैंगल्स को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी का ए बी सी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैंगल व्हाट बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रैंगल ए ओ सी प्लस एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, करेक्ट। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग एक हॉन्स फॉर्मूला पढ़े थे, दैट इज एस इक्वल टू क्या था, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू था, मतलब ट्रायंगल्स का सम डिवाइडेड बाय टू। अब देखिए इसका ए कितना है, दैट इज 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 प्लस इसका बी का क्या है, बी का वैल्यू कितना है, 6 प्लस 6 प्लस x, प्लस सी का वैल्यू कितना है, दैट इज 8 प्लस x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टू। तो मेरे एस का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना, 28 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 होगा, दैट इज इक्वल टू। अब देखो इसमें हम 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया, 2 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस एक्स इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा एस का वैल्यू कितना आ गया, मेरा एस का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 14 प्लस x, ये मेरा एस का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये मेरा एस का वैल्यू आया। और तो हम लोगों हॉन्स फॉर्मूला से जो हम लोग ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं, तो इस तरह था ना फॉर्मूला, दैट इज ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए बी सी का ये था ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर था, ऐसे ही था ना। अब इसका एस का वैल्यू वहाँ पे हम पुट करते हैं, तो मेरा एस का वैल्यू कितना आया, 14 प्लस x है, ठीक है, फिर एस का वैल्यू कितना, 14 प्लस x माइनस ए का -14, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, फिर क्या लिखेंगे, 14 प्लस x माइनस ये बी का वैल्यू x+8, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, इसको सेमी ब्रैकेट में डालते हैं, इनटू 14 प्लस x -6+x, इसको भी हम ब्रैकेट में डालते हैं, इसका हमको रूट ओवर। तो अब इसको हम इसको सॉल्व करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 14+x इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो गया, तो 14 इंटू x इंटू 6 इंटू 8 का रूट ओवर ये हमारा आ गया, दैट इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 8 6 48 48 इंटू एक्स इंटू 14+x, ये मेरा का रूट ओवर, ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू निकला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये बी ओ सी का देखिए फिगर में, बी ओ सी का बेस कितना है, 6+8 दैट इज 14, और इसका जो रेडियस दिया है कितना मेरा है? फिर क्वेश्चन में ये 4 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, इसका जो एरिया हो गया कितना, 14 इंटू हाउ मच, 14 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 दैट इज इक्वल कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ए ओ सी को दैट इज हाफ इंटू, ए ओ सी कहाँ पर देखिए, ए ओ सी ये है, ए ओ सी इस ट्रायंगल का 6+ बेस कितना होगा, 6+x, और हाइट ये रेडियस तो सबका सेम होता है, ये 4 ये भी 4 होगा, तो क्या हो गया, हाफ इंटू आप ए ओ
तो हाफ इंटू सिक्स प्लस एक्स इंटू फोर हो गया, तो इसको क्रॉस के सिंप्लीफाई करो, दैट इज टू इंटू सिक्स प्लस एक्स का एक्स, दैट इज इक्वल हम क्या लिखेंगे, ट्वेल्व प्लस टू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसको क्या लिखेंगे, दैट ए ओ बी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना एट प्लस एक्स इंटू हाइट कितना हो गया इसका इंटू फोर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टू, तो कितना हो गया इंटू सिक्सटीन प्लस टू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, क्या किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या किए थे, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब इसको हम ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हमको वैल्यू कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का कितना आया था वैल्यू, दैट इज 48x इंटू 14 प्लस एक्स का रूट ओवर आया था, दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, ठीक है। अब हम जब इक्वेट करते हैं तो कितना आ गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स का रूट ओवर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू कितना आ गया इधर 56 प्लस 4x आ गया, करेक्ट। अब देखो क्या करते हैं, अब करते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या हो गया 48x इंटू 14 प्लस x का रूट ओवर का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस 4x का स्क्वायर। अभी क्या स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट मेरा हट जाएगा, तो कितना हो गया 48x, 48x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल टू, अभी ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो 56 स्क्वायर, 56 का स्क्वायर प्लस 56 इंटू टू इंटू 4x माने 2ab प्लस 46 का 4x का स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर क्या गया 48x इंटू 14 प्लस x इज इक्वल टू, अब 56 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू कितना होता है 56 इंटू 3136 प्लस 56 इंटू 2 8 6 40 ये हो गया 448x, अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, ठीक है। अब हम 48x इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 672x प्लस 48x स्क्वायर इक्वल टू 3136 प्लस 448x प्लस 16x स्क्वायर। अब क्या करेंगे सबको, जो वेरिएबल थे सब उसको एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 48x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस ये 16x स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड में लेके आया, फिर प्लस 672x ये, और ये इधर इसको लेफ्ट साइड में लाया, माइनस 448x इज इक्वल टू 3136। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको माइनस की इसको ये सॉल्व किए थे 32x स्क्वायर बचा, 32x स्क्वायर प्लस 224x इज इक्वल टू 3136, ये हो गया। अब देखिए हम इसमें क्या 32 कॉमन लेते हैं तो कितना बचा x स्क्वायर प्लस 7x, और इसको इधर लेके आए तो माइनस कितना हो गया 98 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं,
देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x का x कॉमन लेते थे, x प्लस 14 माइनस यहाँ 7 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस 14, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 14 आया और एक्स इक्वल टू 7 आया। वी हैव नॉट कंसिडर द नेगेटिव वैल्यू, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 7। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। तो ए सी का जो लेंथ है क्या 6 प्लस एक्स, तो लेंथ यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ ए सी दैट इज इक्वल कितना है, एक्स प्लस 6 है तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का भी हमको निकालना था, देखिए ए बी दैट इज इक्वल टू ए बी दैट इज इक्वल कितना था, एक्स प्लस 8 दैट इज इक्वल कितना हो गया 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यही हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।